हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। सिंगल प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो वो लगभग 40 वीक्स तक की होती है, लेकिन अगर हम ट्विन्स प्रेगनेंसी की बात करें तो ज्यादातर डिलीवरियां जो है 37 वीक से पहले ही हो जाती हैं। बहुत ही कम ट्विन्स प्रेगनेंसी ऐसी होती है जो 37 वीक्स को क्रॉस कर पाती है, एंड इसमें कुछ डिलीवरियां तो 28 वीक्स के बाद भी हो जाती हैं, जिनको की प्रीमेच्योर बोला जाता है। एंड ट्विन प्रेगनेंसी का जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो 25 वीक से स्टार्ट होता है एंड ज्यादातर 37 वीक्स पर ही खत्म हो जाता है। तो आज मैं आपको 25 वीक से लेकर के 37 वीक्स वाइज बेबी का वेट बताने वाली हूँ कि हर वीक्स किस तरीके से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो 25 वीक्स तक जो आपके बेबी का वेट होता है वो लगभग 750 ग्राम के आसपास हो जाता है, एंड 26 वीक्स तक आपके बेबी का वेट लगभग 850 ग्राम के आसपास हो जाता है, एंड 27 वीक्स तक बेबी का वेट लगभग 975 ग्राम के आसपास हो जाता है, एंड 28 वीक्स तक आपके बेबी का वेट लगभग 1100 ग्राम के आसपास हो जाता है, 29 वीक्स तक आपके बेबी का वेट लगभग 1260 ग्राम के आसपास हो जाता है, एंड 30 वीक्स तक आपके बेबी का वेट लगभग 1420 ग्राम के आसपास हो जाता है, 31 वीक्स तक आपके बेबी का वेट लगभग 1585 ग्राम के आसपास हो जाता है, 32 वीक्स तक आपके बेबी का वेट लगभग 1750 ग्राम के आसपास हो जाता है, 33 वीक्स तक आपके बेबी का वेट लगभग 1915 ग्राम के आसपास हो जाता है, एंड 34 वीक्स तक आपके बेबी का वेट लगभग 2 किलो 80 ग्राम के आसपास हो जाता है, एंड 35 वीक्स तक आपके बेबी का वेट लगभग 2 किलो 250 ग्राम के आसपास हो जाता है, एंड 36 वीक्स तक आपके बेबी का वेट लगभग 2 किलो 420 ग्राम के आसपास हो जाता है, 37 वीक्स तक आपके बेबी का वेट लगभग 2 किलो 660 ग्राम के आसपास हो जाता है। ये मैंने आपको लगभग एवरेज वेट बता दिया है, एंड मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपके बेबी का वेट इससे ऊपर या फिर नीचे भी हो सकता है, और ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप पूरी प्रेगनेंसी किस तरीके की खिलाई पिलाई करती हैं, एंड आपका ऑलरेडी वजन कितना है, आप बहुत ज्यादा फैटी हैं या फिर आप नॉर्मल वेट वाली हैं, एंड आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी चीजें खाती हैं या फिर आप हेल्दी चीजें लेती हैं, एंड इसके अलावा आप पूरी प्रेगनेंसी बेड रेस्ट पर हैं या फिर आप पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रहती हैं, एंड इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। तो इन सारी बातों पे डिपेंड करेगा कि आपके बेबी का वेट किस तरीके से बढ़ेगा। कि आप एक बात ध्यान रखें कि आपके बेबी का वेट इससे अगर ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे नीचे जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए आप खिलाई पिलाई में बहुत ज्यादा कमी कर रही है या फिर आपके बेबी के अंदर बहुत ज्यादा कमी है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।